हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज हम अपनी लव स्टोरी का दूसरा पार्ट लेकर आ चुके हैं। गाइस, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट देखने के लिए आपको गाइस कमेंट सेक्शन के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट का लिंक दे रखा है। पहले वो वाला पार्ट देखना, फिर उसके बाद ये पार्ट देखना, तभी आपको स्टोरी के बारे में अच्छी तरीके से पता लगेगा, वरना बोलोगे भाई ये क्या स्टोरी है। और जिसने अभी तक हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जल्दी जल्दी जाके कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करके हमारी लव स्टोरी का पहला पार्ट देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। चलो स्टार्ट करो, कहाँ से। पहले फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था अब बता देते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो जो बात हुई थी कि मैं रिपेयर पे काम कर रहा था, ऐसे रिलेटेड बात हुई थी। फिर उसके बाद हम खाना खाने जाएंगे, तो अभी आगे के बताएंगे आपको खाना खाने कहाँ गए, क्या सीन हुआ था आगे का इस पार्ट के अंदर। चलो स्टार्ट करो। तो उस दिन हम खाना खाने जा रहे थे, लंच का टाइम था और मैं वैसे अकेली रहती थी, बट उस दिन ये भी मेरे साथ जा रहा था। तो मैं इसको बताने ही लगी थी कि मैं इसको लाइक करती हूँ, बट मैंने जैसे इसको बोला कि तनुज मेरे को आपसे कुछ बोलना है, तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसा था, हाँ बोलो। तो मैंने सोचा छोड़ो, क्यों बताना, एक ही नया फ्रेंड बना है वो भी जाएगा, इसलिए मैंने उसको बताया नहीं कि मैं इसको लाइक करती हूँ। और हमने खाना खुना साथ में खाया, फिर हम वापस आ गए। फिर वापस आने के बाद वापस क्या होगा, इस वही पे हम काम पे लग गए, बातें बूते करी हल्की फुल्की, फिर हमारा टी टाइम ब्रेक हो गया। फिर मैं टी टाइम पे फिर हम अलग ही बैठे थे, क्योंकि इतनी अच्छी दोस्ती उस टाइम नहीं बन पाई थी, तो मैं भी घबराता था लड़कियों के साथ बैठने में, और मैं अकेली बैठी रहती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी। तो उसके बाद क्या, छुट्टी का टाइम हुआ, छुट्टी के टाइम पे फिर ये हाँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाती थी और ये अपने दोस्तों के साथ जाता था। तो सिंपल से हम ऐसे गए दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, फिर हम सीधा रूम पे मिले। रूम पे मिलने के बाद हमने इतनी ज़्यादा बात नहीं करता था मैं फिर भी इनके साथ, लेकिन जो इसकी फ्रेंड वगैरह थी वो मेरे साथ बात कर लेती थी। इसी के साथ हम साथ में बैठ जाते थे बालकनी में बाहर सभी शाम के टाइम, क्योंकि पता है स्कूल टाइम तो है नहीं कि भाई ड्यूटी का काम वगैरह करना होता था, स्कूल का ऐसा कुछ सीन नहीं था, और ड्यूटी जाना था, रगना था, खाना था, सो जाना था, यही काम था। तो ऐसे हम उठे और शाम को मतलब नहा धो के बाहर बैठे, बातचीत करते थे, गाने गुने चलाते थे, थोड़ी देर टाइम पास करते थे, फिर ऐसे हल्की हल्की बातें स्टार्ट होने लगी भाई करने। तो एक दिन बारिश हो रही थी, तो मैं और इसका फ्रेंड बारिश में भीग गए थे, क्योंकि उस टाइम मैं तनु से ज़्यादा बोलती नहीं थी, इससे फ्रेंड से थोड़ी बहुत बात करती थी। तो हम दोनों साथ में भीग गए थे, और यहाँ पे एक लड़की और थी, तो तनुज उसको लाइक करता था, मुझे ये बात पता थी, तो इसलिए मैंने ये डर से भी मैंने इसको बताया नहीं कि मैं इसको लाइक करती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर बंदा किसी और को लाइक करता है तो मैंने क्यों किसी के बीच में आना। लेकिन वो लड़की तनुज को ना कर देती है, तनुज का दिल तोड़ देती है, ना नहीं करती है भाई, ना ही करती है वो, नहीं करती, वो कहती है ना। फिर मैम कौन सा असली में प्यार कर रहे थे गाइस, आपको पता ही है क्या होता है। तो ऐसे ऐसे बात चलती रही भाई कुछ दिन, फिर उसके बाद वो लड़की कुछ दिनों के बाद इसे चली गई। तो चली जाने के बाद फिर हम भाई एक साथ हो गए, तो हमारा जो एक दोस्त था मेरा, उसने हमारा रिलेशनशिप करवाया था। तो हम शाम के टाइम जा रहे थे, मैं उसको रूम पे छोड़ने जा रहा था, तो उस दिन मैं अपना रूम छोड़ के जा रही थी, फाइनली इसी पीजी से निकल के किसी और पीजी में शिफ्ट हो रही थी। और उसी दिन इसका कोई फ्रेंड था, उसने हमारी बातचीत करवाई कि तू इसको ऐसे बोल दे, आई लव यू बोल दे, तुम दोनों रिलेशन में आ जाओ। और तब इसने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है, और मैं तो वैसे भी लाइक करती थी, मेरे को तो एक मौका मिल गया, मैंने तो मौके पर चौका मार दिया। तो भाई उसके बाद क्या सीन हुआ, तो हम रिलेशनशिप में आ गए। तो उस दिन के बाद ना कुछ दिन तक तो मतलब ये हम अपने रूम से जिसके साथ रहती थी उधर से मेरे लिए खाना वाना बना के लेके आती थी डेली, शाम के टाइम, रात के टाइम, ओके। तो खाना वाना बना के लेके आती थी भाई, मजा आने लग गया था भाई, खा खा के ठूस ठूस के भाई। और ये डेली ड्यूटी के बाद मेरे को वहाँ से छोड़ने जाता था, और जब मैं रात को इससे मिलने आती तब भी मेरे को छोड़ने जाता था, फिर हम पार्क में जाते थे, और जब सुबह ड्यूटी जाती थी मैं उसी रास्ते से आती थी, और ये अपने पीजी पे मेरा वेट कर रहा था, अगर हम साथ में जाते थे और फिर हम साथ में आते थे। तो उसके बाद भाई बहुत ही ख़तरनाक सीन हुआ था हमारे बीच में, तो भाई उस सीन के लेके गाइस बहुत ही ज़्यादा लड़ाई भी हुई हमारे साथ, बहुत सारी बातें भी हुई हैं, और लगभग ना सभी को कंपनी के अंदर धीरे धीरे पता लग गया था भाई हमारे बारे में। तो उसके बारे में हम सारी डिटेल आपको बताएंगे, तो ठीक है ब्रो, अभी वीडियो को देखते रहे और हमारे साथ स्टोरी का मज़ा लेते रहे। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम इससे नेक्स्ट पार्ट लेके आएँ, यानी पिछले बारे में तो बहुत से बंदे
बंदों ने बोला भी था, लेकिन व्यूज़ कम आया। लेकिन कोई ना ब्रो, मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि अभी मेरा कंटेंट दूसरा है ना इस चैनल पे, तो मेरे पास गेमिंग के रिलेटेड कंटेंट है, तो स्टोरी टाइप वीडियो डाल रहा हूँ तो इस पर इतने व्यूज़ नहीं आएंगे, आपको पता है, क्योंकि इंप्रेशन वगैरह जो वो सारा गेमिंग वाले बंदों पर जाते हैं, इसलिए। तो कोई ना गाइस, आगे की स्टोरी हम आपको बता ही रहे हैं। तो आगे क्या हुआ था गाइस, सुबह हम ड्यूटी पे जा रहे थे, तो ड्यूटी पे गए तो उधर से अगले दिन देखा गाइस इसका जो ड्यूटी टाइम था वो चेंज कर दिया था, ड्यूटी टाइम दूसरी लाइन पे भेज दिया था, तो कोई चक्कर नहीं होगा इसमें, उधर ही रिपेयर पे लगता था। फिर भाई हमारे दूर से ही दूसरी लाइन से फर्स्ट लाइन तक 9 में टक्के चलते थे और पूरी कंपनी के जितने भी मतलब वर्कर्स हैं सभी हमें देखते रहते थे, जो भी बोलता था कि इसका ध्यान तो इसकी तरफ है, काम भी कर लिया कर। यहाँ तक कि सर भी मुझे यही चीज़ बोलते थे कि तू उसको ही देखती रहती है, काम तो तू करती नहीं है। ऐसे ऐसे मेरे को बोलते थे भाई, सारा दिन तेरे उधर ध्यान रहा, डिफेक्ट जा रहे हैं। और इसको कई बार डांट भी पड़ी सर से, मुझे भी कई बार डांट पड़ी, लेकिन गाइस उसके बाद सर ने इतनी गंदी बात बोली भाई हमें, तो उसका पार्ट हम सेकंड वीडियो थर्ड पार्ट में लेके आने वाले हैं, तो उस पार्ट में भाई बहुत ही मजा आने वाला है। इसलिए भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। थर्ड पार्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लव यू गाइस।